लेकिन आपके धंधे की तो बैंड ही बज गई महाशय। इससे बेहतर ये होगा कि आप हम दोनों को लेकर सीधे होटल चले जाएं। तो मैं उनसे बात कर सकता हूँ और हो सकता है कि आपकी सजा थोड़ी सी कम हो जाए। इसीलिए तो हमें आप इतने स्पेशल लगते हैं मिस्टर काका बाबू। एक पैर कब्र में, दूसरी तरफ लाल मोहन, मगन लाल, मोहन लाल, सब लाले लाल एक हो गए हैं और आप फिर भी डायलॉग पे डायलॉग मारे जा रहे हैं। चारों तरफ देखिए, 30-40 मील तक कोई भी इंसान नहीं मिलेगा और 2 मील जाते जाते हमारे प्राइवेट सर्कस के जीव जंतु आकर आपको सर्कस दिखा जाएंगे। ग्लैडिएटर फिल्म देखी है ना, तो ये हमारा कोलोसियम समझ लीजिए। मासूम जानवरों को मारकर, हम लोगों को मारकर, टूरिस्ट को मारकर बहुत बड़ी बहादुरी दिखा रहे हैं आप। अरे छोड़िए जनाब, जर्मन टूरिस्टों को मैं क्यों मारने लगा? मैं तो नोटों की गड्डियां और भाड़ा देकर लाया था उन्हें जानवरों को मारने के लिए। पता नहीं कहां गायब हो गए, पर इसका एक फायदा जरूर हुआ, इस इलाके में आतंक तो बढ़ गया, टूरिस्ट कम हो गए हैं और अब इसीलिए होटल लिटिल वाइस रॉय के हमें कम दाम देने होंगे उस बूढ़े लिविंगस्टोन को। ठीक है, अब मैं चलता हूं। अब वापस जाकर नाटक करना पड़ेगा, कहानी बनानी पड़ेगी, और कुछ नहीं तो वो पीआर लोहिया, उसके साथ घूस की रकम का सौदा भी करना पड़ेगा। इन देशों में इतना करप्शन है आप सोच भी नहीं सकते। आप लोग चलते रहिए। क्या हुआ? मुझे इस तरह देखकर काफी हैरानी हो रही है ना। बुरा मत मानिएगा, याद रखिएगा, एक मूर्ख दोस्त से भला एक अकलमंद दुश्मन होता है। प्राचीन अफ्रीकन कहावत है। आइज़ैक, चलो आइज़ैक। अरे क्या हुआ? और क्या होगा, सुना नहीं उसने क्या कहा? 30-40 मील तक और कुछ नहीं है, पानी, खाना और इतने खतरनाक जानवर, अब क्या होगा? मैं कह रहा हूँ इस जंगल को तो ना मैं पंगुम लंग है ते गिरे गोरक्ष प्लाटो में वो घर में कैद होना याद है ना, या फिर मिस्र का वो भुना देने वाला रेगिस्तान याद है ना सर? मन में हिम्मत जगाओ, दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जिसे मन की ताकत से जीत नहीं सकते। चल चल चल। अच्छा हुआ हमने हैवी ब्रेकफास्ट किया है, हम लोग एक दिशा पकड़कर सीधे चलते जाएंगे। अगर हम किसी तरह तंजानिया की सरहद तक पहुंच गए तो बच जाएंगे, यहाँ जानवर अपने खाने का जुगाड़ कर लेते हैं, उसके लिए इंसानों पे वो हमला नहीं करते, सिर्फ सांप और जंगली कुत्तों को छोड़कर। और सांपों से तो आपको वही एक चीज है, बड़ी घिन आती है। सबसे आगे जाएंगे वो सबके पीछे भी,
रास्ता दिखाएंगे वो। कोई डर नहीं, कोई डर नहीं, कोई डर नहीं, कोई डर नहीं।